नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। मिशन ब्लैक टॉप कंप्लीट होने के बाद एलएसी पर आज लगातार चौथे दिन कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। चुशूल में 3 दिन से लगातार बातचीत हुई है। चुशूल में आपको बता दें आज भी बातचीत हो रही है, लेकिन पहले की जो बातचीत रही है वो बेनतीजा रही है। कल 7 घंटे की बातचीत के बावजूद दोनों देशों के बीच कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। चुमू, डेप्सांग, कोंकाला समेत कुछ इलाकों पर दोनों देशों के बीच अब भी टेंशन है, और इस बीच ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और रिजंगला पर भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है। एलएसी पर माउंटेन स्ट्राइक करने के बाद भारत ने चीन के एक और स्ट्राइक किया है, यानी चीन के ऊपर एक और स्ट्राइक की गई है। भारत ने गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। साफ है कि हर तरफ से चीन की घेराबंदी जारी है, और मौजूदा तनाव के बीच भारत चीन के बीच ब्रिगेडियर कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है, और ये 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है और आज चौथे राउंड की भी बातचीत चल रही है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को 6 घंटे बातचीत का दौर चला है, और इसके बाद कल भी 7 घंटे की बातचीत हुई है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया इस बातचीत के जरिए। और हमारे साथ संवाददाता मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं लद्दाख से। मनीष, फिलहाल क्या स्थिति है और जो आज की बातचीत होने जा रही है उसमें क्या लगता है आपको, कोई नतीजा निकल पाएगा? अमित, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 फीचर्स हैं, और ये आप इसे रेफरेंस के तौर पे ऐसे समझिए कि पेंगोंगसो में जैसे चाइनीज पीएलए ने स्टेटस को चेंज किया है, ठीक उसी के आधार पर भारतीय सेना ने फीचर्स को डोमिनेट किया है, जिसमें ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और अचांगला है। दरअसल ये एरिया मगर और गुरंग हिल जो है भारतीय सेना की उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सीमा के अंदर, उसे डोमिनेट करते हुए सब्स्टिट्यूट के तौर पर ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप को डोमिनेट किया। इसकी वजह यह है कि चाइनीज पीएलए की 6 मोटराइज और मैकेनाइज डिवीजन जो है उनके डिप्लॉयमेंट, हैवी डिप्लॉयमेंट के तौर पर स्पांगूर गैप सहारा लेते हुए वो अंदर की तरफ आ रहे थे, तो इसीलिए अब इस फीचर को ब्लॉक करके मोल्डो गैरिसन जो है चाइनीज पीएलए का, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया। उसके साथ मोरकापी जो एरिया है उनका, उसको ब्लॉक किया गया। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ सब्स्टिट्यूट पे रचांगला, जिसे चाइनीज पीएलए उसे रेक्यूनला कहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक पास है, जहां पर उसे लाइफलाइन के तौर पर समझिए क्योंकि वेदर बदल रहा है, और इसीलिए लॉजिस्टिक और आर्म्स सप्लाई के लिए भारत ने किस तरह से अपनी पोजीशन मजबूत की है, लेकिन जो आज बातचीत होगी आपको लगता है कि जो पोजीशन हमने मजबूत की है इसका फायदा हमें मिलेगा इस बातचीत में? देखिए, 3 राउंड्स की बातचीत ब्रिगेडियर लेवल पे हो चुकी है। इसमें 114 ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर और साथ में चाइनीज पीएलए के सीनियर कर्नल रैंक ऑफिसर इसमें शामिल हैं। दरअसल चुशूल के ठीक सामने मोल्डो का एरिया पड़ता है, और चुशूल में ये मीटिंग होगी। औपचारिक तौर पर अभी बताया नहीं गया कि ये मीटिंग अब शुरू हो गई, क्योंकि टेंटेटिव टाइम 10 बजे का था, अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। तो इसीलिए इसमें चाइनीज पीएलए इस बार बैकफुट पे है, नेगोशिएशन टेबल पे चाइनीज पीएलए है, और वो बार बार इस बात को कह रहा है कि हेलमेट टॉप, साथ में ब्लैक टॉप और जो स्टेटस को चेंज करते हुए रेक्विनला उनका एरिया, और जिसे हम रेचनला कहते हैं, जो रिजांगला के करीबन 4 किलोमीटर नॉर्थ में है, इसको वो खाली करके वापस जाए। लेकिन भारतीय सेना ने बिल्कुल साफ कर दिया है, यही साफ है कि मनीष किस तरह से बता रहे हैं कि जो वहां पर अहम पोजीशंस थे जिसमें ब्लैक टॉप भी शामिल है, हेलमेट टॉप भी शामिल है, इन सब इलाकों पर अब भारत ने जब अपना कब्जा कर लिया है तो भारत की स्थिति मजबूत हुई है। एक और आपको बात बता दें कि जो नॉर्थ बैंक है, साउथ बैंक ने अपनी पोजीशन हमने मजबूत कर ली है, नॉर्थ बैंक में भी जो हमारे फिंगर पॉइंट्स हैं, जहां पर 4 पे अगर चीन ने अगर अपने टॉप पर अपने सैनिकों को रखा है, तो 3 और 2 पर भी भारत ने टॉप पर अपने जो सैनिक हैं उनको तैनात किया है, ताकि अगर नॉर्थ की ओर से भी कोई कोशिश होती है चीन की तो उसे भी रोका जा सके। तो फिलहाल भारत एक मजबूत पोजीशन पर है। इस बीच एक अहम बात और बता दें कि जो मॉस्को में रक्षा मंत्री मौजूद हैं, वहां पर चीन के भी रक्षा मंत्री होंगे, तो अगर बातचीत अगर वहां पर होती है, क्योंकि नजर है सबकी, अगर दोनों देशों के बीच कोई बातचीत होती है तो ऐसे में भारत मजबूत स्थिति में रहेगा। फिलहाल आपको बताते हैं कमांडर लेवल की जो बातचीत है उसके बीच भारत की जो पोजीशन लगातार किस तरह से मजबूत होती गई है, और उसमें ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप से जो चीन को खदेड़ा गया है उसके बाद से समीकरण बदल गए हैं। कल तक आंख दिखाने वाला चीन अब बैक फुट पर आ गया है। इस रिपोर्ट में देखिए एलएसी पर इंडियन आर्मी की पोजीशन अब कितनी मजबूत है, और इस हालात में जंग हुई तो चीन का नक्शा कैसे हमेशा के लिए बदल जाएगा। हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, मगर हिल्स, रेचनला, एलएसी की ये वो चोटियां हैं जहां पर भारतीय सेना तैनात है। ऊपर से चीन की हर एक एक्टिविटी को देख रही है, और जरूरत पड़ने पर यहां से किसी भी ऑपरेशन को बड़े आराम से अंजाम दिया जा सकेगा। जब हम कहते हैं कि इन पॉइंट्स पर भारत का स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स है, तो इसका मतलब क्या होता है वो इस मैप से समझिए।
ये ब्लैक टॉप पर है जहां पर इंडियन आर्मी मौजूद है। ये नीचे की तरफ चाइनीज सेना के कैंप है। चीन के कैंप में क्या हो रहा है, कौन से हथियार लाए जा रहे हैं, एक एक मूवमेंट को क्लियर नोटिस किया जा सकता है। पैंगोंग सो में अगर एक भी गोली चलेगी तो क्या अंजाम होगा, एलएसी पर हालात कितने नाजुक हैं, वो समझिए। चुशूल से आगे यहाँ पर ब्लैक टॉप में इंडियन फोर्स मौजूद है। सामने चीन के टैंक और गन पोजीशन है। चीन का ये एरिया भारत के T-90 टैंक की रेंज में है, यानी पूरे इलाके में भारत का अपर हैंड है। ऐसा हो पाया है हिंदुस्तान की सबसे सीक्रेट फोर्स की वजह से। इनको कभी किसी ने नहीं देखा है, इनके बारे में कोई नहीं जानता है, इनके सीक्रेट ऑपरेशन का कोई रिकॉर्ड कहीं पर दर्ज नहीं है। इनकी एंट्री का सीधा मतलब होता है दुश्मन का एग्जिट। ये कितने खतरनाक, कितने डेडली हैं, इसकी छोटी सी झलक ब्लैक टॉप पर चीन ने देख ली है और अब चाइनीज सेना में डर का माहौल है। ये है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इस वक्त पैंगोंग त्सो के एलएसी वाले एरिया में भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस तैनात हैं, जिनके बारे में चीन ज्यादा कुछ नहीं जानता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन के सामने हिंदुस्तान की सबसे सीक्रेट फोर्स खड़ी है, जिसकी नींव ही चीन को सबक सिखाने के लिए रखी गई थी। इस फोर्स का एक एक जाबाज चीन के खिलाफ बैटल के लिए तैयार किया गया है। हैंड इन हैंड कॉम्बैट हो या फिर सबसे एडवांस वेपन, सबसे आगे ये फोर्स है। जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो हजारों की संख्या में तिब्बत से भागकर लोग हिंदुस्तान आ गए। साल 1959 में करीब 7,000 तिब्बती युवा तिब्बत को आजाद कराने के लिए इकट्ठा हो गए थे। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की शुरुआत हुई। इनको चीन के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। इस फोर्स में शामिल हर एक तिब्बती सैनिक चीन से तिब्बत को आजाद करना चाहता है। ये पहली बार है जब एसएफएफ को चीन के सामने तैनात किया गया है। पूरे देश में एलएसी को लेकर काफी तनाव है, लेकिन जब मैं लेह पहुंचा तो यहाँ पर अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिला। यह आत्मविश्वास था यहाँ के लोगों का भारतीय सेना के ऊपर, यह आत्मविश्वास था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के ऊपर। जब ब्लैकटॉप पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जाबाज पहुंचे तो चीन हक्का बक्का रह गया। उसको ये बात समझ नहीं आई कि दरअसल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान उसके सामने हैं, और उन्होंने ना ही केवल चीन को खदेड़ा बल्कि नीचे उतरने के लिए मजबूर कर दिया। चीन का मुकाबला पहली बार इस फोर्स से हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कई बार एसएफएफ के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध ऑपरेशन ईगल, 1984 सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत, 1999 करगिल युद्ध। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को जब भी कोई टास्क मिला, जहां पर मिला उसको हर हाल में पूरा किया गया। 100% सक्सेस रेट की वजह से एसएफएफ को विकास बटालियन का नाम दिया गया है। एसएफएफ की ट्रेनिंग सबसे मुश्किल होती है और इनके हथियार सबसे खातर। FNSCAR असॉल्ट राइफल, SVD ट्रैंगुनो राइफल, IWI गैलिल स्नाइपर राइफल, UKVZ 59L लाइट मशीन गन और M4A1 कार्बाइन इनके पास होती है। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर, एडवांस ऑडियो कम्युनिकेशन सेट, थर्मल इमेजिंग कैमरा के साथ ऑपरेशन करते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को एस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से जाना जाता है। एसएफएफ के पहले इंस्पेक्टर जनरल मेजर जनरल सुजन सिंह थे। वो दूसरे विश्व युद्ध में 22 माउंटेन रेजिमेंट के कमांडर थे, जहां से एस्टेब्लिशमेंट 22 नाम पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एसएफएफ वैसे आधिकारिक तौर पर आर्मी का हिस्सा नहीं है, लेकिन आर्मी के ऑपरेशन में शामिल होती रहती है। ये तो हो गई स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की बात। अब आपको बताते हैं इनके अलावा एलएसी पर भारत की तैयारियां कैसी हैं, जिसकी वजह से चीन एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। साधारण शब्दों में आप ये समझ लें कि भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसकी वजह से चीन बैकफुट पर है।
इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस पहले ही LAC पर तैनात की जा चुकी हैं। इसकी एक झलक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे पर देखने को मिली थी, जब उनके साथ स्पेशल फोर्स के जवान की फोटो सामने आई थी, जिसमें शूरवीर के हाथ में TRG-42 स्नाइपर राइफल देखी थी। ऐसे कई स्नाइपर से इस वक्त LAC की पहाड़ियों पर तैनात हैं और इनके निशाने पर चाइनीज सेना है। जमीनी जंग के लिए इंडियन आर्मी ने जैसा चक्रव्यूह रचा है वो देखिए। LAC पर करीब 50,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। B-90 भीष्म टैंक की रेंज में चाइनीज कैंप है। होवेत्जर तोप भी वॉर मोड में है। चाइनीज हेलीकॉप्टर को टारगेट करने के लिए एकला मिसाइल रेडी है। LAC पर जब T-20 भीष्म टैंक चलते हैं तो इनकी गरज चाइनीज सैनिकों को एकदम साफ सुनाई देती है। ये पूरा एरिया पैंगोंग झील के आसपास का है। पैंगोंग लेक का काफी हिस्सा चीन में है और 30% भारत के पास। ऐसे में युद्ध होगा तो इस लेक पर भी होगा, जिसके लिए भारतीय सेना तैयार है। इस फोटो में देखिए रक्षा मंत्री के सामने कुछ काले रंग का इक्विपमेंट रखा हुआ है। ये है कॉम्बैट ड्राइवर प्रोपल्शन डिवाइस। कॉम्बैट DPV के जरिए कमांडो पानी के अंदर ही अंदर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। कॉम्बैट अंडर वाटर डाइवर्स को पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है और ये बेहद कारगर साबित होते हैं। अब बात हवाई वॉर की, जो चीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस बार जंग में जीत उसी की होगी जिसका हवाई हमला सबसे विध्वंसक होगा। लद्दाख के आसमान पर फाइटर जेट सुखोई, MiG-29, मिराज और तेजस उड़ान भर रहे हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे और चिनूक भी फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात हैं। जल थल नभ का ये वो चक्रव्यूह है जो अभी नजर आ रहा है, जबकि तैयारियां इससे कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि इस बार भारतीय सेना फुल एंड फाइनल के मूड में है।